चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है, और जब भी वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का होता है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। और उसके बाद एक सुटेबल फॉर्म में चला जाएगा वो, और आप सुटेबल फार्मूला अप्लाई कर लोगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था, एक तो आप जुगाड़ से आप बना लीजिए तो ठीक है, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना। यहाँ पे ए क्या हो गया आपका? 9 हो गया। बी क्या हो गया आपका? 6 हो गया। और सी क्या हो गया? 5 हो गया। ये हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। अब ये क्या है आपका? ए टाइम्स मतलब 9 टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a, मतलब बी कितना हो गया? 6 हो गया, और 2a 2 × 9 हो गया। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका? 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ हटा के हम 1/3 लिख दे रहे हैं का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस डी बाई डी निकाल लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट कुड बी 6 का स्क्वायर माइनस 4 × a मतलब 9 × c मतलब 5, ठीक है। ये 36 माइनस ये 36 × 5, तो 36 कॉमन कर लीजिए, कितना आ गया? 1 − 5, ये माइनस 4 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया आपका? माइनस 4 × 36, ये आपका डी आ गया। डी की वैल्यू यहाँ रख दें, माइनस 4 × 36 अपॉन 4a² ठीक है। तो 4a कितना हो गया आपका? दैट इज 4a मतलब 9, ठीक है। और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये 4a² है, तो a 9 का स्क्वायर, 9 × 9 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 × 4 = 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या दिख रहा है आपको? 4/9 है ना, प्लस का मतलब आप यहाँ लिख सकते हो फाइनली सिंप्लीफाई करके 4/9। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप दिखाइए या ना दिखाइए, दिखा देंगे तो अच्छी बात है ना, लेकिन इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर आपने कैसे बनाया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला याद है तो हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ सिंस लिख देंगे, और ये चीज़ क्या हो जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर है। तो थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर ले रहे हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख दीजिए, दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ 1/9 टाइम्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 9 को हम बाहर ले लेते हैं dx, तो 1/9 आपका बाहर आ गया, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये किस फॉर्म से आपका मैच कर रहा है? 1/x² प्लस a² है ना, x की प्लेस पे आपका x प्लस 1/3 और a की प्लेस पे 2/3 है। तो यहाँ पे या तो हम सब्स्टिट्यूशन करके दिखा दें, अगर बोर्ड में तो स्टेप सारी दिखानी होती हैं तो हम लोग दिखा दे रहे हैं स्टेप्स। तो लिख लेते हैं, लेट x प्लस 1/3 इक्वल्स टू टी हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/t² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dt हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 1/9 टेन इनवर्स, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? 1/9 तो आपका अलग से है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/x² प्लस a² जब होता है तो आपका फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a का मतलब 2/3, और टेन इनवर्स x/a, टेन इनवर्स x मतलब t हो गया, बाई a मतलब 2/3, तो 2 और 3 चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ भी 3 रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? दैट बिकम 3/2, ठीक है, और प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट c। अब 2-3 चीज़ कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए नंबर्स, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यहाँ फाइनल क्या आ जाएगा बाहर? 1/6 आ जाएगा,
और ये ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग। अब ये जो आंसर है हमारे पास टी डमी वेरिएबल है, हमें डमी वेरिएबल में आंसर देना नहीं होता है, तो टी को हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, एक्स प्लस वन बाई थ्री। तो आप यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 1/6 टेन इनवर्स 3/2 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/3। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 3x, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा आपका 3x प्लस 1/2। तो ये फाइनली आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, दैट बिकम 3x प्लस 1/2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।